प्रणाम देवाधिदेव महादेव। प्रणाम सप्तऋषिगण, आइए पधारिए। प्रभु आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हे ऋषिगण, लोकाचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप कृपया मेरी ओर से हिमाचल राज से मिलें और उनसे निवेदन करें कि वे मुझे अपना जमाता बनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। देवाधिदेव, आपने तो माता भगवती को स्वीकार कर लिया है और माता भगवती भी अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं, किंतु लोकाचार तो करना ही पड़ेगा ना। देवी भगवती जितनी जल्दी कैलाश पर आए उतना ही अच्छा है। कैलाश की वह शोभा शीघ्र से शीघ्र कैलाश पर आए, यही हमारी कामना है प्रभु। हे सप्तऋषिगण, इस लोकाचार की विधि को पूर्ण करने के लिए आप सप्तऋषियों से अधिक श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? शत्रुओं से पराजित देवताओं ने मुझसे संतान की याचना की है, अतः अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हिमाचल राज के पास जाकर मेरे और देवी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखें। जैसा आपका आदेश प्रभु, अब हम चलते हैं। इस बार आप लोग जो उचित समझे हमारी ओर से भेंट लेते जाइएगा। अवश्य। महारानी, मैं आपसे कह रहा था कि सप्तऋषियों के चरणों में हिमाचल का प्रणाम। कल्याण हो। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी महान विभूतियों के मुझे दर्शन हुए। ऐसा लगता है जैसे बिना बादलों की वर्षा हो गई हो और बिना फूलों के फल लग गए हों। आप सबके चरणों की धूल के प्रसाद से मेरा ये स्थान तीर्थ बन गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राजन, हम यहां स्थान ग्रहण करने नहीं आए हैं, हम तो अष्ट सिद्धियों नवोनिधियों के स्वामी भगवान शंकर का प्रतिनिधित्व करने आए हैं। हम सबकी आपसे प्रार्थना है कि समस्त संसार को मनचाहा वरदान प्रदान करने वाले भगवान शिव को शुभ मुहूर्त की मंगल बेला में आप अपनी कन्या का दान करें, जिससे पार्वती जगत जननी के रूप में सारे संसार का कल्याण कर सके। हे ऋषि गणों, आपने अभी अभी जो कुछ कहा उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, सहसा मुझे इसका विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वात्मा शिव शंकर ने मेरी पुत्री पार्वती की कामना की है और उसी कार्य के लिए आप सब ऋषिगण यहाँ पधारे हैं। ये सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा गृहस्थ जीवन सार्थक हो गया हो। इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है गिरिराज, हम सब भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ आए हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप कोई शुभ मुहूर्त देखकर पुत्री पार्वती के वागदान का आयोजन करवाएं। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, हमारी पुत्री बड़ी ही भाग्यशाली है। पार्वती भगवान शिव का ऐसा वरदान है जिसे पुत्री रूप में पाकर हम धन्य हो गए हैं, किंतु हमें यह ज्ञात नहीं था कि इस वरदान देने वाले को हम जामाता के रूप में पाकर और भी धन्य हो जाएंगे। महारानी तो इतनी प्रसन्न हो गई है कि अपनी कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो महाराज, इसे हम आपकी स्वीकृति आपका वचन मान लें? हाँ हाँ, मान लें, अवश्य मान लें ऋषिवर। मैं तो धन्य हो गया ऋषिवर, मैं कोई शुभ मुहूर्त देखकर पुत्री पार्वती के वागदान का शगुन लेकर शीघ्र ही कैलाश पहुंचूंगा। तो अब आज्ञा दीजिए राजन। अवश्य ऋषिवर। महामंत्री जी। जी महाराज। सप्तऋषियों का अभिनंदन किया जाए, इनकी महिमा के अनुरूप इनकी विदाई का श्रेष्ठतम प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए ऋषिवर, चलिए। आइए। प्रणाम ऋषिवर। कैसी शुभ घड़ी आई है महारानी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमारे जीवन में
ये कैसा पावन अवसर आया है? आपने सत्य कहा महाराज, विश्वास ही नहीं होता कि आप ऐसा अवसर लाने में इतनी शीघ्रता करेंगे। क्या बात है महारानी, आप मेरे इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हैं? सत्य है स्वामी। क्या कहा महारानी, देवाधिदेव महादेव विश्व के पूज्य हैं और हमारे आराध्य भी। हमारी पुत्री पार्वती उनकी जीवन संगनी बनकर कैलाश जाएगी। हमारे जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है महारानी? महाराज, आराध्य होना और बात है तथा जमाता होना और बात, और कन्या का पति होना और बात है महाराज। महारानी। हाँ महाराज, आपने देखा है मेरी पुत्री को हिम की वर्षा में खुले आकाश तले हिमालय के प्रांगण में तप करते हुए? आपने वो हिम की बौछार नहीं देखी? आपने शरीर को तीर की तरह बेधने वाली उस शीतल वायु पर ध्यान नहीं दिया जो मेरी पुत्री के भाग्य में है? महारानी, आपकी इन सारी बातों का तात्पर्य क्या है? आपको क्या लगता है कि शिव जैसा दूल्हा दूसरे दूल्हों की हाट में बैठा हुआ मिलेगा, जहां आप अपने वैभव का प्रदर्शन कर अपने लिए अपना मन चाह जामाता ढूंढ लेंगी? नहीं महारानी, मुझे आपकी इस प्रतिक्रिया से अत्यधिक कष्ट पहुंचा है, ये कहते हुए मुझे खेद हो रहा है। आपको खेद हो रहा है किंतु मुझे दूसरी चिंता सता रही है। जब जब शिव उठेंगे तो क्या हमारी पुत्री को हिम के झंझावात में तप करना पड़ेगा? पति चाहे कैसा भी हो, कम से कम क्रोधी तो ना हो। महारानी, आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। आप हमारे आराध्य महादेव शिव का अपमान कर रही हैं। ध्यान रहे महारानी, मैं यहाँ दक्ष और उनकी पुत्री गौरी का इतिहास कदापि नहीं दोहराने दूंगा, कदापि नहीं। बात है तथा जमाता होना और बात, और कन्या का पति होना और बात है महाराज। जब जब शिव उठेंगे तो क्या हमारी पुत्री को हिम के झंझावात में तप करना पड़ेगा? पति चाहे कैसा भी हो, कम से कम क्रोधी तो ना हो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। अश्मति भवन, ये क्या पुत्री, आज इतनी प्रसन्नता का दिन है कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। सप्तऋषिगण भगवान शिव से जाकर मिल चुके हैं और उन्हें समाचार भी दे चुके हैं कि आपके पिताश्री ने उन्हें जामाता बनाना स्वीकार कर लिया है। ये समाचार हम सब के लिए बहुत आनंद पूर्वक है। आपके जन जन की साथ पूर्ण हो गई और आप यहाँ उदास बैठी हैं। देवर्षि, आप नहीं जानते, इसे आप मेरा भाग्य कहिए या प्रारब्ध, इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराने जा रहा है। क्या? हाँ देवर्षि, इतनी साधना और इतने कठोर तप के पश्चात क्या फिर से मुझे भगवान देवाधिदेव का विरह सहन करना पड़ेगा? अर्थात? अर्थात पूर्व जन्म में जो विरोध पिता श्री दक्ष द्वारा प्रकट किया गया था, इस जन्म में उनका स्थान माता श्री लेने जा रही हैं। नहीं, ये नहीं होगा, ये कदापि नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पुत्री। देवर्षि, माताश्री ने पिताश्री से यह कह दिया है कि शिव क्रोधी हैं और वे एक क्रोधी व्यक्ति को
अपने पुत्र नहीं दे सकती। नारायण नारायण, यदि भविष्य की डोर स्वयं ईश्वर के हाथों में ना होती तो मानव तो न जाने क्या कर डालता। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि हम अपने भविष्य को नहीं जानते। यदि भविष्य के सारे सुख दुख हमें वर्तमान में ही ज्ञात हो जाएं, तो जीना कठिन हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि हम वर्तमान में जिएं और भविष्य को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। यही जीने की कला है। आप चिंता ना करें पुत्री, मुझे लगता है कि महारानी मैना को कोई भ्रम हो गया है। मैं अभी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जाता हूं और उनकी पत्नी अरुंधति से अनुरोध करता हूं कि वे यहां आएं और इस समस्या का समाधान कर दें। आप शांत रहें पुत्री, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मति भव। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आओ देवर्षि नारद, उचित समय पर आए। मैं अल्पाहार करने ही जा रहा था। आप अल्पाहार करें, मैं तो केवल भाभी श्री देवी अरुंधति के दर्शन करना चाहता हूँ। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम भाभी श्री। मंगल हो। क्या बात है, बहुत दिनों पश्चात आपके दर्शन हुए। फल ग्रहण कीजिए। नहीं भाभी श्री, जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता मैं कुछ भी ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हूँ। भाभी श्री, मैं आपके पास एक सहायता के लिए आया हूँ। मेरी सहायता? भला मुझ जैसी एक साधारण सी स्त्री आपकी क्या सहायता कर सकती है। नारायण नारायण। भाभी श्री, सारा संसार एक आदर्श नारी के रूप में आपकी पूजा करता है। आप स्वयं एक नक्षत्र हैं। आपका स्थान तो इतना ऊंचा है कि धरती के लोग जब विवाह बंधन में बंधते हैं तो वधु को अरुंधति नक्षत्र के दर्शन कराए जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप दृढ़ निश्चय, नियम और संयम की मूर्ति हैं। आप एक विदुषी हैं। भाभी श्री, आप देवी मैना का ये भ्रम दूर कर दें ताकि पुत्री पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह संभव। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि, हम स्वयं भगवान शिव की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर गिरिराज के पास गए थे और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया था। इसी की सूचना भगवान शिव को देकर हम कल संध्या ही कैलाश से लौटे हैं। हाँ भ्राताश्री, परंतु स्थितियां न जाने कब बदल गईं, पता ही नहीं चला। अब तो महारानी मैना ये हट किए बैठी है कि वे भगवान शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं होने देंगी। ये कैसे संभव है, एक बार वचन देकर लौटाया नहीं जा सकता। मैं आपके साथ चलती हूँ देवर्षि। मैं आपके पास यही आशा लेकर आया था। महारानी मीना सचमुच मेरा सम्मान करती हैं या नहीं, आज इसका पता भी चल जाएगा। नारायण नारायण। महारानी, 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 अरे हमारी पुत्री तो यहां बैठी है। क्या बात है पुत्री, तुम यहां बैठी हो और उधर तुम्हारी सारी सखियां बाहर उद्यान में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। जाओ पुत्री। नहीं पिताश्री, मेरी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। पुत्री पार्वती, तू अपनी माता श्री के कारण अपना मन छोटा ना कर। मैं तुम्हारा वागदान देवाधिदेव भगवान शिव के साथ कर चुका,
कहा कि आपने वागदान? कुछ भी तो नहीं हुआ पिताश्री। कन्या पक्ष की ओर से वर को शगुन भेजा जाता है। मैं उसी की तैयारियां करके तो आ रहा हूं पुत्री, किंतु मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारी माताश्री उन सामग्री का एक बार निरीक्षण कर लें। कहां है वे? पिताश्री, वे आपसे रुष्ट हैं। वे कोप भवन में हैं। अच्छा, मैं उन्हें देखता हूं पुत्री। किंतु तू प्रसन्न रहे, ये शगुन जाएगा और इसी मुहूर्त में जाएगा। किंतु माताश्री। पुत्री, तुम्हारी माताश्री तुमसे अत्यधिक स्नेह करती है, इसीलिए वो इस विवाह का विरोध कर रही है। किंतु तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, प्रणाम। देवर्षि, अरे परम पुनीता मात्र स्वरूपा देवी अरुंधति भी पधारी हैं। मेरा स्थान तो पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया। प्रणाम स्वीकार करें देवी। प्रणाम। मेरे प्रति आपकी सम्मान भावना के लिए मैं आपकी आभारी हूँ गिरिराज। मैं देवी मीना से मिलने आई हूँ। किंतु वे तो कोप भवन में है। जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं उनसे वहीं मिलूं। कदाचित उन्हें कोप भवन से बाहर लाने में मैं सफल हो जाऊं। आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है? महारानी आपको भली भांति जानती हैं। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह होगा। पुत्री पार्वती, देवी अरुंधति को कोप भवन ले जाओ। जी आइए। नहीं पुत्री, तुम कष्ट मत करो, मैं स्वयं वहां चली जाऊंगी। महारानी मीना, गुरुपति, आप गृहिणियों में ये कोप भवन की परंपरा बहुत अच्छी है। बिना कुछ कहे लोगों को स्वयं पता चल जाता है कि गृह स्वामिनी रुष्ट है। प्रणाम गुरुपत्नी। प्रणाम देवी अरुंधति। मैं आपका इस कोप भवन में कैसे स्वागत करूं? बस केवल आपकी थोड़ी सी मुस्कान इस कोप भवन को आनंद में बदल देगी। देवी अरुंधति, आप नहीं जानती मेरे क्रोध का कारण क्या है। कारण मैं जानती हूं। महारानी, आप एक बात बताइए, क्या संसार में आप पहली स्त्री हैं जो मां बनी है? जी जी हाँ। क्या आपके पास कोई ऐसा साधन है जिसके आधार पर आपने अपनी कन्या का भविष्य जान लिया है? देवी, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। क्या आप अपने आप को अपनी संतान का भाग्य विधाता मानती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर भगवान शिव से देवी पार्वती के होने वाले विवाह पर आप असंतुष्ट क्यों हैं? गुरुपत्नी, मेरे मन में भय है कि मेरी पुत्री वहां सुखी नहीं रहेगी। महारानी मीना, जो शिव सारे संसार को सुख बांटते हैं, वो आपकी पुत्री को दुख केवल इसलिए देंगे क्योंकि आपको भय है। ऐसी बात नहीं। फिर क्या बात है महारानी? जिस कन्या ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की, उससे शिव को छीनकर आप उसकी प्राणों से नहीं खेल रही हैं? गुरुपत्नी, मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपने भगवान शिव में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे भय आपके हृदय में समा गया है? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो क्रोधी हैं, उनका स्वभाव उग्र है। महारानी, जिनके माथे पर स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रमा जो शीतलता का सागर है, ऐसे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शिव क्रोधी, उनका स्वभाव उग्र। अरे वे तो आशुतोष हैं। यदि ऐसा नहीं है
तो उन्हें मेरी पुत्री से इतना कठोर तप कराने की क्या आवश्यकता थी, जब वे आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्तियों में से हैं, तो उन्होंने मेरी पुत्री के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये, आपकी पुत्री केवल भगवान शिव की भक्ति नहीं, उन्हें पति रूप में पाना चाहती है, और उसके लिए योग्यता का कोई तो मापदंड होना चाहिए। और दूसरा कारण ये, शिव एक पत्नी व्रति है, उनके जिस हृदय में दक्ष पुत्री गौरी विराजमान थी, उसी हृदय में मीना पुत्री पार्वती को स्थान देने में यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार शीघ्रता करते तो इसमें उनका अपना चरित्र क्या रह जाता? बोलिए, पत्नी के लिए उसका पति क्या होता है? उसका सर्वस्व, उसका ईश्वर। और आपके ईश्वर ने सप्त ऋषियों को, जिनमें मेरे पति भी थे, शिव को जमाता स्वीकार करने का वचन दिया है, और आपकी ये इच्छा है कि वो एक एक करके उन सातों ऋषियों के पास जाएं और उनसे ये कहें कि उन्होंने वचन नहीं दिया था, उनसे परिहास किया था। कितनी प्रसन्न होंगी आप, कितना बड़ा मान आपने अपने ईश्वर का रखा। धन्य है माननीय मीना, आप धन्य हैं। बस बस देवी, मुझे और लज्जित न कीजिए। मुझे पता ही नहीं था, मैं अमृत को विष के समान समझ रही थी, और इसमें दोष अमृत का नहीं, मेरी अज्ञानता का था। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महारानी मीना, मैं स्त्री हूं, आप भी एक स्त्री हैं, और मेरी केवल एक ही इच्छा है, स्त्री केवल संतान की जननी न हो, स्त्री केवल आनंद और सुख देने वाली न हो, स्त्री केवल सम्मान की अधिकारिणी न हो, उसका एक स्वस्थ सुंदर और सम्मानजनक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी हो। आप महान हैं देवी, आप धन्य हैं, इसीलिए तो सारा संसार आपको पूजता है। तो चलिए महारानी मीना, महाराज हिमाचल भगवान शिव के यहाँ शगुन भेजने की तैयारी किए खड़े हैं, ये आपकी राह देख रहे हैं। चलिए देवी, आपके आने से ये अवसर और मंगलमय हो जाएगा। ऋषि पत्नी अरुंधति की सीख से हिमाचल पत्नी मैना बदल जाए, संभव है। सूर्य अपने रथ का मार्ग बदल दे, संभव है। संसार की पतिव्रता स्त्री अपने पति की विरोधी हो जाए, यह भी संभव है। किंतु असुरराज तारकासुर पार्वती और शिव का विवाह होने दे, ये असंभव है, असंभव है।